दिस वीडियो ब्रॉट टू यू बाय ऑलवेज प्रॉमिस। अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में मुकीम हैं और अपनी फैमिली को पाकिस्तान से बुलाना चाहते हैं तो ऑलवेज प्रॉमिस वाले आपकी हेल्प कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप अपनी फैमिली को पाकिस्तान से बुला सकते हैं। और जो लोग इस वक्त यूरोप में हैं और इलीगल हैं वो भी ऑलवेज प्रॉमिस वालों से रब्ता कर सकते हैं और अपनी रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। ऑलवेज प्रॉमिस वालों का जो हेड क्वार्टर है वो पुर्तगाल में है, नंबर्स स्क्रीन में आपको नज़र आ रहे होंगे, ज़रूर उनसे रब्ता करें। व्हाट्सएप के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं, ईमेल के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं और उनकी वेबसाइट www.alwayspromise.eu के ज़रिए भी आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपको दोस्त अस्क्रेशी। काफ़ी अरसे से बहुत सारे दोस्त रिक्वेस्ट कर रहे थे कमेंट्स के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, और ये पेपर बन जाते हैं। जैसा पुर्तगाल का एक टाइम पीरियड है, इसी तरह स्पेन का भी टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के बाद पेपर बन जाते हैं। अब बहुत सारे दोस्तों को मसला क्या पेश आता है, मसला ये पेश आता है जब वो वहाँ पे जाते हैं अपनी पादरों में तो कराते हैं, पादरों में तो मतलब पता है उनकी यूनियन काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं जब, ठीक है। वो जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है उसके बाद आपने काम ढूंढना होता है। सबसे बड़ा हमारे पाकिस्तानियों और इंडियन बांग्लादेशी अफगानी भाइयों का मसला क्या पेश आता है मैं आपको बताता हूँ। मसला ये होता है देखो कि आप लोग वहाँ पे जाते हो, आपको जुबान नहीं आती, आपको स्पेनिश बिल्कुल नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, और अगर इंग्लिश आती भी तो सही तरह जो इन्फ्लुएंस जो इंग्लिश होती है वो नहीं आती, तो इस वजह से जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है। जॉब मिलती भी है तो हमारे अपने पाकिस्तानी या देसी भाइयों के पास मिलती है जो कि बहुत कम आपको सैलरी देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक जानने वाले हैं, वो पूरी फैमिली के साथ उन्होंने विजिट वीज़ा लिया और वो स्पेन चले गए आज से 4-5 साल पहले। वहाँ पे गए हैं, मैं यकीन करो खुद बड़ा समटाइम हैरान होता हूँ, मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो 10 साल से स्पेन में रह रहे हैं, उनके पास जो है ना कोई उनके पेपर बनने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये जो मेरे दोस्त हैं इन ये फैमिली के साथ वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे जब पादरों में तो इनकी हुई रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होगी, उसके बाद इन्होंने जॉब मिली, पढ़े लिखे थे आराम से, इनको एक वहाँ पे किसी कंपनी में जॉब मिली है और उनकी वाइफ भी पार्ट टाइम काम करती रही है, उनको अब जो है वो फॉर एवर का रेजिडेंट परमानेंट मिल गया, अब उनकी बच्ची भी यहाँ पे पैदा हुई है। तो बात करने का मकसद ये है कि सुनी सुनाई बातों पे ना आया करो, खुद ट्राई करो, खुद जाके वहाँ पे ट्राई किया करें। सुनी सुनाई बातों पे फिर बंदा जो है वो प्लान बनाता है, फिर प्लान जो है वो ख़त्म भी कर देता है खुद ही, ऐसा ना करें। आप कोई भी चीज़ करनी है उसको सबसे पहले आपने कहना कि नहीं जी ओके ठीक है मैंने कर लिया, मैंने डिसाइड करी, अब इसको मैं चेंज नहीं करना। बार बार प्लान बनाओगे, बार बार चेंज करोगे तो कभी कामयाब नहीं हो सके। ये बहुत सारे मेरे दोस्त जो हैं जो इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज़ में रह रहे हैं उनके पास पेपर नहीं है, यही वजह है सबसे मेन वजह, और वो पाँव उठाते हुए डिसीजन लेते हुए डरते हैं यार मैं वहाँ पे चला जाऊँगा तो क्या होगा, मुझे ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो ज़ीरो पे ही हैं आप ऑलरेडी, एक यूरोपियन कंट्री में 10-10 साल से रह रहे हैं, अगर पेपर नहीं है तो ज़ीरो ही है वो। सो है तो आपने मेरे भाइयों बिल्कुल जो है पॉजिटिव रहना, हमेशा पॉजिटिव रहा करें और कोशिश ये करा करें कि अपने जो आपके अराउंड जो लोग हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, अगर पॉजिटिव लोग हैं आपके आगे पीछे तो आप कभी भी आप डिसहार्ड नहीं होते, आप कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आती आपके पास। तो मोस्टली क्या होता है, हमारे मोस्टली आगे पीछे जो लोग होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, हम भी जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। मायूसी गुनाह है, कुफर है मायूसी, अल्लाह ताला ने फरमाता है कभी मायूसी नहीं करनी, अल्लाह ताला की जो रहमत है उस पर हमेशा उम्मीद रखनी है आपने, बिलीव करें आपको कामयाबी मिलेगी। तो आप
जाएं वहां पे, अब स्पेन जाएं, पुर्तगाल जाएं। पुर्तगाल में मैंने देखकर बताया, दो तीन वीडियोस पे बना चुका हूँ, आज पहली वीडियो मेरी स्पेन की इसके ऊपर है। अब वहां पे जाएं, अपनी पादरी मिनट तो करें, कोशिश ये करें कि आपको थोड़ी बहुत पाकिस्तान से अगर आ रहे हैं तो, अगर किसी यूरोपियन कंट्री में रह रहे हैं तो इंग्लिश बंदा सीख लेते हैं, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। अब जब वहां पर जाओगे उसके बाद पादरी मिनट तो कराओगे, पादरी मिनट के बाद आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। वहां पर भी काफ़ी सारी जो है वर्क एजेंसीज होती हैं, वहां पर अपनी प्रोफेशनल तरीके से अपनी सीवी जो है वो आप प्रिपेयर करें, आपका जो पूरा आपकी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो, अगर नहीं है इतना एक्सपीरियंस तो थोड़ा बहुत डाल लें उसके अंदर, ट्राई करें, आपको काम मिल जाएगा आराम से। जरूरी कोशिश करें कि अपने देशों के पास काम ना करें। सबसे मसला पता है कि हम जाते हैं अपने पाकिस्तानियों के पास, ऑफकोर्स जाते हैं, एक डेरा होता है बना हुआ, 5-10-8 बंदे रहते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, फिर वो हमें भी जब आप लोग जाते हो तो वहीं पर आपको काम लगा देते हैं, तो क्या होता है फिर आप सोचते हो यार मैं तो इलीगल हूँ, मैं मुझे पास पेपर नहीं है तो मुझे कोई जॉब भी नहीं मिलेगी अगर ये छोड़िए। ऐसा नहीं है, आप सबसे पहले मैं आपको मशवरा दूंगा, आप ट्राई करो उन लोगों के पास जो वहाँ के नेशनल हैं, वहाँ पे काम करें, उसका फ़ायदा क्या होगा, आपको सैलरी ज़रा अच्छी मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बेनिफिट्स जो होते हैं वो नॉर्मल बेनिफिट्स जो हैं वो मिलेंगे, जो कि हमारे पाकिस्तानी भाई या इंडियन वो नहीं देते। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है, जब आपको जॉब मिल जाए उसका फ़ायदा क्या, मैं बताता हूँ आपको। अगर आप पाकिस्तानी के पास काम करते हैं, किसी देसी के पास काम करते हैं, तो 3 साल की पादरों मिनतों के बाद आप रेजिडेंट परमिट अप्लाई कर सकते हैं स्पेन में। तो क्या होता है, जब आप किसी देसी के पास काम करते हैं तो आप इलीगल काम करते हैं, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता, ब्लैक में आप उसके पास काम करते हैं, और जब 3 साल गुजर जाते हैं तो आप 0 के 0 होते हैं, आपने 3 साल टैक्स नहीं भरा होता। फिर क्या होता है, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप फिर आगे पीछे पाकिस्तानियों से या दूसरे देसी जो लोग हैं उनके पास जाते हैं, कहते जिनके पास शॉप्स हैं या जिनके रेस्टोरेंट हैं, जिनको कारोबार वगैरह, आप उनकी मिन्नत करते हुए जाके यार मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दो। अब वो 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार मांगते हैं, डिपेंड करता है। फिर क्या होता है, फिर आप वो पैसे उनको देते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो। अब 5,000 यूरो आपने 3 साल में नहीं बचाया होता, कमाया शायद होगा लेकिन बचाया नहीं होता। फिर आप जब अप्लाई करते हो सकता है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट असली ना हो, नकली हो। फिर कितने मेरे भाई हैं उनके साथ क्या हुआ है, जब उन्होंने अपनी जो रेजिडेंट जो कार्ड होता है रेजिडेंटशिप अप्लाई की है, तो उसके बाद काफ़ी ऐसा उनको जवाब नहीं आता, रिजेक्ट हो जाती है, वो पैसे भी 5,000 ज़ाया हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जब आप वहाँ पर जाएँ पादरों में तो करने के बाद हत्तुल इम्कान कोशिश ये करें कि आप काम वहाँ के किसी नेशनल के पास करें, उसका फ़ायदा ये होगा वो आपका टैक्स भरेगा। जब टैक्स भरेगा, जब 3 साल आपने काम किया होगा, 3 साल बाद जब आप जाओगे रेजिडेंट परमिट अप्लाई करने के लिए, उसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है आपको रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है। उसकी वजह ये होती है कि उनको पता होता है ये जो मालिक है ये टैक्स भर रहा है, ये 2 नंबर ही नहीं कर रहा, उनका अपना वो नेशनल होता है वो, और वो आपको जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है या आपने जो टैक्स भरा होता है वो रियल होता है, ओरिजिनल होता है, वो फेक नहीं होता, तो आपको पेपर मिल जाते हैं। जितने मेरे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे जानने वाले हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं मेरे, जिन्होंने इस तरह किया है, 3 साल के बाद उनको वहाँ का जो परमिट मिल गया है। क्यों मिला है, क्योंकि वो काम उनके पास करते थे, स्पेनिश लोगों के पास काम करते थे, उन्होंने 3 साल का टैक्स भरा हुआ था और इसलिए उनको मिल गया। अब बहुत सारे दोस्त हैं, एक मेरा दोस्त है जिसको 12 साल हो गए हैं स्पेन में, वो वैलेंसिया में रहते हैं और एक पाकिस्तानी पास पहले 3 साल काम करते रहे, उसके बाद उन्होंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, कॉन्ट्रैक्ट खरीद के उन्होंने अप्लाई किया जब कार्ड, तो आज तक उन्हें कार्ड नहीं बना क्योंकि वो फेक था, अब ब्लैक लिस्ट हो गए हैं, अब 11-12 साल से वहाँ पे हैं। कितनी दुखी बात है। मैं हमेशा ये कहता हूँ अपने भाइयों को, यार आपने थोड़े से पैसों के लिए किसी का मुस्तकबिल ख़राब ना करो, किसी की ज़िंदगी तबाह ना करो। अब देखो कितनी दुख की बात है, मेरा बिजनेस है, मैं तो 4-5 हज़ार, 3 हज़ार यूरो लेके मैं तो कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा। यार क्या आप सही बोलो भाई, 6,000 यूरो दो, मैं आपको ओरिजिनल बना के दूंगा ताकि उसका भला भी हो जाए। तो यार क्या कर सकते हैं कि तो लोगों के अपने जाती हम आमाल हैं। जिस आपने वहाँ पे जाना है स्पेन में, वहाँ पे पादरी मिनत तो करानी है, रिहाइश ऑफकोर्स आपके पास होनी चाहिए, आप उन्हें किसी का एड्रेस देना है वहाँ पे, तो कोशिश भी ये करनी है अपने जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस दें, हमेशा ये कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको जो यूरोप में मोस्टली जो सारी चीज़ें होती हैं पोस्ट पे होती हैं, पाकिस्तान में तो पोस्ट सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो आपने कोशिश करनी जहाँ पे रह रहे हूँ वहाँ पे आपका एड्रेस दें वहाँ पे उनकी यूनियन काउंसिल में, जब आप पादरों में तो कराएं, उसका फ़ायदा ये होता है जब भी आपको लेटर आता है तो आपके घर पर आता है। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान में अगर आप रह रहे हैं या इंडिया में रह रहे हैं तो कैसे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं स्पेन का, और कैसे स्पेन में आ सकते हैं। अगेन मैं कहता हूँ आपने मायूस नहीं होना, आप कोशिश करें आपके अराउंड जो लोग हैं, आगे पीछे आपके लोग हैं, वो पॉजिटिव हों, हमेशा अच्छी बातें करें, पता चल जाता है। देखिए अगर आप किसी पॉजिटिव बंदे के साथ मिले ना, जो मोटिवेट करने वाला होता है, वो आपको जब बात करता है आप मोटिवेट करता है आपको, आपको वो अच्छी बातें करता है। अगर आप मायूस होते हैं कहते हैं नहीं यार
वो कहेगा नहीं कुछ नहीं होगा, अल्लाह बेहतर करेगा, तो आप हिम्मत पकड़ लेते हैं। लेकिन जब दो चार लोग आपके पास होंगे आगे पीछे दोस्त यार, तो वो आप उनसे बात करें, यार मैं सोच रहा हूँ मैं स्पेन चला जाऊँ, यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में तो काम नहीं हो रहा, यहाँ पे काज नहीं बने, वो बोले पागल हो गया, यहाँ पे तू तनहा रहता है, यहाँ देखो ये वो है, स्पेन तो बैकवर्ड कंट्री है, फना फना फना, तो बंदा मायूस हो जाता है। तो आप यकीन करें, अगर आपके आगे पीछे लोग पॉजिटिव होंगे तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मेरा अपना तजुर्बा ही है, जब भी किसी नेगेटिव बंदे से मिलता हूँ मैं, जब घर पे आता हूँ सारा दिन मेरे सर दर्द करता है। पहले मुझे समझ नहीं आती, काफ़ी सालों बाद जाकर मुझे समझ आई है कि क्यों है इस तरह। जब घर पर आता हूँ तो अगर किसी नेगेटिव बंदे से मिलता हूँ तो वो अपनी बातें बताएगा, नेगेटिव चीज़ें बताएगा, ये हो गया वो हो गया, परेशान हो जाए। कोशिश करें आप पॉजिटिव लोगों से मिलें। अगेन जिससे मैं अपनी पिछली वीडियो में कहता आया हूँ, प्लीज़ मेरे भाई अपने माँ बाप की इज्जत करें। और मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हो, अपने माँ बाप की इज्जत करते हो, अगर कुछ बात हो जाती है सामने से माफ़ी मांगे। जो लोग अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं उनको खुश रखते हैं, यकीन करें मेरा ये तजुर्बा है। यूरोप में कुछ काम नहीं आता, अल्लाह ताला जो है वो हेल्प करता है, और ये माँ बाप की दुआ की वजह से होता है। अगर कोई चीज़ रह गई हो, कोई क्वेश्चन रह गया हो, तो प्लीज़ नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के जो लिंक्स मैं नीचे दे दूंगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना अपने अलहाना का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।